इतना बढ़िया तो पानी ला दिया। कोई और सरकार होती वो इतना विकास कर पाती जितने आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया 5 सालों में? नहीं जी, देखो इन्होंने ज्यादा किया, इससे पहले थी भाजपा की थी, उन्होंने इतना नहीं किया जितना इन्होंने किया। समस्या थी जी, मैं बहुत दुखी हो गया था बिल्कुल। हमारे को तो खून का आंसू होने लगे थे मार्च से लेकर के और सितंबर तक। जब भगवान की दया से इतना अच्छा पानी का सिस्टम हो गया कि पानी की पूरी मौज हो गई। अगर 5 घंटे पानी लगातार चला था पूरा गांव डूब सकता था, पानी हो चुका है। अरे बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ 7 साल तक पानी नहीं था, अब पानी की सुविधा इतनी हो चुकी है, बहुत अच्छी कर दी उन्होंने, हमारे बहुत अच्छा किया। अरे ऐसे ही होते रहे बहुत अच्छा है, ऐसे ही चलते रहे, यही आते रहे बहुत अच्छा। अभी थोड़ा सा काम डिले हुआ है क्योंकि यहाँ पे अभी भी महरम नगर में आप जैसे आए होंगे तो यहाँ पे अभी भी वो रोड पूरी बनी नहीं है। नमस्कार, मैं सिमरन दुआ, आज दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस की टीम पहुँची है दिल्ली के एक और विधानसभा दिल्ली कैंट के महरम नगर वेस्ट में। तो हम लोगों से जानते हैं कि यहाँ के सुरेंद्र सिंह MLA आम आदमी पार्टी से, कि उन्होंने इन 5 सालों की क्या ग्राउंड रिपोर्ट ली और उन्होंने कितना विकास करा है अपने क्षेत्र में। जी देखो जी, काम तो किए हैं सुरेंद्र सिंह ने, सड़कें भी बन गई, नालियाँ बन गई हैं, एक दो काम तो बची जाते हैं, और अच्छा काम किया, अच्छा है, सबकी बातें सुनता है, मानता भी है सबको अच्छी तरह। आपको पेंशन टाइम टू टाइम मिल रही है? हाँ, पेंशन वालों को पेंशन सब मिल रही है। पानी बिजली के कामों से आप उनके कार्य? पानी की थोड़ी समस्या है, वो थोड़ी अब हल होने लग रही है, हो जाएगी, पर बिजली तो आ ही रही है। वो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो BJP से हैं। तो भाई इसीलिए नहीं नहीं, जो काम जो है, काम तो उन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा काम किया है, और अगली बार शायद फिर वही यहीं से आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है इन 5 सालों में? विकास तो बहुत हुआ है इसमें, क्योंकि रोडिया, लेकिन अभी अब देखो अंदर गाँव में, देखो अभी साल भर हो गया लेकिन रोड नहीं बना है, लेकिन काम किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है काम। तो आशा है कि वो अब आने वाले चुनाव में उनकी सरकार फिर से बन सकती है, केजरीवाल सरकार? वो तो बनेगी जी, 110% बनेगी। आप उनके कार्यों से खुश हैं? हाँ खुश हैं कुछ, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो चंद लोगों के बहकावे में आके वो करते नहीं हैं, क्योंकि हैं कुछ यहाँ पे उनके बहकावे में आके काम करते नहीं हैं, लेकिन काम है, सब अच्छी तरह से हो रहे हैं। मैं दिल्ली कैंट महरम नगर से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है। हमारे यहाँ के विधायक बहुत अच्छे हैं, सबकी सुनते हैं, काम भी अच्छा करते हैं, और आने वाले चुनाव में 100% वही आएंगे, क्योंकि उन्होंने जो ये बिजली पानी का समस्या हल की है, रोड भी बनाए हैं, सीवर भी नए डाले हैं, यहाँ पे पार्क बनाया है, बहुत अच्छा काम किया है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अच्छी दवाई मिलती है, फ्री सब दवाइयाँ मिलती है, और कोई भी हमने मान लिया अलग से कोई टेस्ट वेस्ट करवाना पड़ता है उसके लिए भी भेजते हैं, हमारा वो भी फ्री में होता है। तो उसके लिए हमने स्कूल में भी जाके देखा, हमारे बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, तो वहाँ पर भी उनका अच्छा स्कूल का मेंटेन किया है, शिक्षक अच्छी होती है अभी, और बच्चों को किताबें, वर्दी और खाना भी बच्चों को मिलता है। पानी और बिजली में जैसे कुछ प्रतिशत छूट मिली है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए, गरीब आदमियों के लिए, आम आदमी के लिए बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि हमारा 3 महीने से बिजली का 0% बिल आ रहा है, और पानी तो हमारे को यहाँ कभी बिल देना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कैंटोनमेंट बोर्ड में है, आज तक हमने पानी का कभी बिल नहीं दिया है, और ना हमारे यहाँ मीटर लगे हुए पानी के, और बिजली 3 महीने से हम यूज़ कर रहे हैं, 200 यूनिट तक फ्री, हमारी 200 यूनिट होती नहीं है, तो उसका हमारे को भरपूर फायदा मिल रहा है। तो इस बार केजरीवाल सरकार, आई लव यू केजरीवाल। रोजगारी के बारे में तो कुछ हो ही नहीं रहा है इस सरकार में, सारे सरकार अपने अपने मुद्दे अलग अलग उठा के बेरोजगारी का तो कोई समस्या ही नहीं बता रहे हैं, क्या से समाधान होगा। लेकिन ये सबको सबसे बड़ा समस्या अभी हमारा भारत में बेरोजगारी की आ गई है, इसका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक हमारा देश में कुछ होने वाला नहीं है। मेरा नाम रामकिशन है। कहाँ से हैं आप? मैं महरम नगर में रहता हूँ, दिल्ली कैंट में। तो आपके यहाँ पे 5 सालों में कितना विकास किया है? पानी की समस्या थी जी, मैं बहुत दुखी हो गया था बिल्कुल। हमारे को तो खून का आंसू होने लगे थे मार्च से लेकर के और सितंबर तक। ये भगवान की दया से इतना अच्छा पानी का सिस्टम हो गया कि पानी की पूरी मौज हो गई। अगर 5 घंटे पानी लगातार चला था पूरा गांव डूब सकता था, पानी हो चुका है। पर क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी खुल गई है, और आपका ये बोलते हैं डिस्पेंसरी, रोड पक्के, हाई मस्ट लाइटें, शमशान घाट का अच्छा रिनोवेशन हो चुका है। अगर मुर्दा फूकेगा तो बड़े तरीके से फूकेगा, अच्छे तरीके से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पार्क है, जिम है, ओपन जिम है, बच्चों के लिए खेलने जगह, बहुत सी चीज़ होगी इसमें, कोई तो नहीं, सच्चाई है दीवन की, सच्चाई सच्चाई यही है। आपका नाम? मेरा नाम कीर्ति है। कहाँ से हैं आप? मैं महरम नगर से ही हूँ।
आप विमेन सेफ्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इन 5 सालों में कुछ विकास हुआ है या नहीं आम आदमी पार्टी के? एब्सोल्युटली बिल्कुल हुआ है, क्योंकि देख सकते हो आप ऊपर भी जैसे कैमरे लगे हुए हैं, पहले क्या था किसी को नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है वुमेन के साथ, तो ओपनली जब कैमरे लगे हुए हैं तो सब कोई देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से वुमेन के साथ क्या हुआ है, तो देख सकते हैं कि सेफ्टी के लिए एक वुमेन्स के लिए स्पेशली एक अच्छा कदम है ये, हमें ओपनली पता रहेगा कि इसके साथ क्या हुआ है तो वो कुछ छुप नहीं सकता किसी चीज़ से। एजुकेशन और हेल्थ के लिए आप क्या कहेंगे, जैसे उन्होंने बहुत सारे क्लिनिक्स और आप न्यूज़ में भी क्लियरली देख सकते हो स्कूल्स में कितनी डेवलपमेंट हुई है, स्विमिंग पूल आज तक किसी भी स्कूल में दिल्ली में और स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में कभी भी कोई स्विमिंग पूल तो देखने को नहीं मिला था, और आम आदमी पार्टी ने किया है ऐसा। और उसके अलावा जो हेल्थ के लिए आप बता रहे हैं तो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह कितने सारे क्लिनिक्स ओपन किए गए हैं, इनफैक्ट हमारे यहाँ पर भी एक न्यू ओपन क्लिनिक हुआ है, जिम की फैसिलिटी कर दी है, ओपन पार्क्स हैं वहाँ पे जाते हैं लोग और ओपनली जिम करते हैं वहाँ पे, तो सब कुछ अच्छा है। अगर यही कोई और सरकार होती वो इतना इम्प्रूवमेंट कर पाती 5 साल में? करना होता तो इतने ईयर से साल इतने ईयर से उनको मौका मिला है ना, नहीं किया, तो अभी हम देख सकते हैं डेवलपमेंट है, चेंजेस है, किया है आम आदमी पार्टी। आपको क्या लगता है कि कमिंग इलेक्शंस में वो केजरीवाल सरकार फिर से बन सकती है या नहीं? लोग उनको इतना सपोर्ट करेंगे, उन्होंने इतना अच्छा मतलब अभी जो DTC बस में लाइक हम देख सकते हैं वुमेन्स के लिए फ्री सर्विस है, तो वुमेन्स तो अट्रैक्ट कर लिया, तो मतलब पूरे घर को अट्रैक्ट कर लिया, वुमेन्स के हाथ में ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जीत सकते हैं। हमारे यहाँ पार्क बनवाया है, पहले ऐसे घूमने फिरने के लिए कोई मतलब जगह नहीं थी, अब पार्क बन गया, घास वगैरह लग गए, झूले लग गए, जिम लग गया सबसे अच्छा, कि घुटने वगैरह में दर्द होता था, लेडीज़ नहीं थी इसके लिए अवेयर, अब है, सुबह शाम जाती हैं, खूब अच्छा है, मतलब हम बच्चों को छोड़ने जाते थे, धूप से बारिश से बचने का कुछ भी इंतज़ाम नहीं था पहले, और जब से आम आदमी पार्टी आई उन्होंने शेड्स बनवाई हैं, सबसे अच्छा लेडीज़ के लिए किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अब सरकारी अस्पताल और स्कूलों के बारे में क्या कहेंगे कि इनमें कुछ विकास हुआ है या नहीं? हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, और हर चीज़ की मतलब सुविधा देती ही जा रही है सरकार, आम आदमी पार्टी ने जितनी सुविधा दी है ऐसी किसी ने नहीं दी है। हर भी सरकार से खुश है या नहीं? बहुत खुश हैं, आने यही आएंगे दोबारा। अरे बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ 7 साल तक पानी नहीं था, अब पानी की सुविधा इतनी हो चुकी है, बहुत अच्छी कर दी इन्होंने आम आदमी, बहुत अच्छा किया है। अरे ऐसे ही होते रहे बहुत अच्छा है, ऐसे ही चलते रहे, यही आते रहे बहुत अच्छा। आपका नाम? हर्ष। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? सर्वोदय शिक्षा विद्यालय। आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में आपके स्कूल में कुछ विकास किया है आपके यहाँ के MLA ने? हाँ, ऐसे स्विमिंग पूल बन रहा है और 4 मंजिल का स्कूल और लिफ्ट भी लग रही है। पहले से बेहतर हुआ है या पहले ज़्यादा अच्छा था? पहले से बेहतर हुआ है। क्यों, क्या कहना चाहेंगे आप कि ये काम अच्छा कर रहे हैं या नहीं? अच्छा कर रहे हैं। आने वाले इलेक्शंस में इनको जीतना चाहिए या नहीं? जीतना चाहिए। इस समय हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग, तो हम इनसे जानते हैं कि यहाँ के MLA सुरेंद्र सिंह ने इनके क्षेत्र में कितना विकास करा है इन 5 सालों में। ये कैमरे लगा दिए, रोड बनवा दिए, पार्क बनवा दिए, सबसे बढ़िया तो पानी ला दिया। पेंशन मिली है या नहीं अभी तक? पेंशन मिलने लग रही है, खूब मिलने लग रही है, हर महीने आते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हुए नहीं? नहीं गए, अभी जाएंगे, करवा रखी टिकट हमारी। आप बताइए आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है इन 5 सालों में या नहीं? खूब बढ़िया होगा बेटा, खूब अच्छा, अच्छे से बढ़िया काम मिल गया बेटा, आना तो मार तो बाल भी ना रहे, टाट पर पानी धोते रहे 5 साल से भाई, हमने खूब मौज ले रखे, सब क्या है की सब क्या सुविधा है, बनना चाहिए आप यही बने, सुरेंद्र ही आना चाहिए केजरीवाल। हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम खुश हैं भाई, कमांडो सुरेंद्र सिंह आना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं की सुरक्षा को देखकर कि कुछ विकास हुआ है महिलाओं की सुरक्षा में? बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि कैमरे वैमरे लगे उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और DTC के जो फ्री किया है वो लेडीज़ के लिए वो भी बहुत अच्छा है। बाकी 5 सालों में सबसे ज़्यादा विकास इन्हीं की तरफ से हुआ है, बाकी कांग्रेस की भी BJP भी सब की सरकार आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी के विकास हुआ है। आप अपने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षा में कुछ विकास किया है या नहीं? बहुत अच्छा किया है, सरकारी स्कूलों में पहले ऐसी सुविधाएं थी पर अब हो गई, और यहाँ लाइब्रेरी खुला दी वो भी बहुत अच्छा विकास हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, सबको जो गरीब है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या यही कोई और सरकार होती वो इतना विकास कर पाती या इसी ने करके दिखाया? नहीं, नहीं कर पाती, ना किया है ना करेंगे। ठीक है, आम आदमी पार्टी कमांडो सुरेंद्र सिंह
केजरीवाल ने बहुत विकास किया है, पार्क बनवाया है बच्चों के लिए, बहुत ही ज़्यादा विकास किया, जिम खुलवाई है ओपन, और महिलाओं के लिए भी बहुत ही अच्छा करवाया है, सुरक्षा का काम करवाया है। मेरा नाम सुकंतला है बेटे। आप कहाँ से हैं? मैरम नगर एयरपोर्ट से। आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ के MLA आम आदमी पार्टी से उन्होंने कितना विकास किया इन 5 सालों में, कुछ किया या नहीं? बहुत अच्छा काम किया है बेटे। क्या क्या विकास किया है? पार्क बनवाया है, तो अब रोड बनने लग रहे हैं। आपको पेंशन आती है आपकी या नहीं? आती है बेटे टाइम से। और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जो करा है वो कैसा करा, अच्छा करा या नहीं? नहीं अच्छा, बहुत अच्छा करा है। आपके यहाँ पे MLA ने 5 सालों में कितना विकास किया है? इतने काम करा है जितने 15 साल में BJP का नहीं करवा पाया MLA, वो 5 साल में हो चुके हैं हमारे काम गाँव के। क्या क्या विकास हुआ है? फर्स्ट पार्क था लेडीजों के लिए, पार्क बनवाया मैम। सेकंड मतलब सीवर लाइन दबवाई गई है, पानी की सुविधा की है, और ये कैमरे लगवाए है। इस कैमरे के आपको कुछ फायदा हो रहा है या नहीं? बिल्कुल, सिक्योरिटी है गांव की पूरे की कैमरों से। और अब क्या कहना चाहते हैं कि अब आने वाले उस चुनाव में इनकी सरकार फिर से बन सकती है या नहीं? बिल्कुल बनेगी। आप इनके कार्यों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। मेन चीज तो सिर्फ एक पार्क हमारे गाँव के लिए सबसे बड़ी चीज बनी है। तो आप उसका फायदा उठा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल उठा रहे हैं, बच्चे तो खासकर उठा रहे हैं, मैं तो क्या बच्चे रोड से फायदा उठा रहे हैं। और ऐसे स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य के लिए आप अपने लिए आप मोहल्ला क्लिनिक यूज करते हैं या नहीं? बेटा मैं तो एक्सरसाइज हूँ, मेरे स्वास्थ्य की वैसे जरूरत नहीं मेरे पास, तो गवर्नमेंट फैसिलिटी है। वैसे अच्छा है मोहल्ला क्लिनिक, अच्छी चीज़ है, कल मैं गया था वहाँ भी देख के आया। आपके यहाँ के इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ इन 5 सालों में? बढ़िया काम हो रहे हैं। क्या क्या विकास हुआ है? पार्क बन गया, पौरंग हो गया, और ये गली बन गई, क्या सुथरी देख, फुटी पटी सारी। सागर वालियान। कहाँ से हैं आप? मैं मैरम नगर दिल्ली से। इन 5 सालों में आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कुछ विकास हुआ है या नहीं, आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है या नहीं? जी हमारे क्षेत्र में तो काफ़ी विकास हुआ है, सीवर की नई लाइन बिछाई है, हमारे को पूरा गाँव के लिए काफ़ी टाइम से पार्क बनने का वेटेड था तो वो पार्क भी बना दिया है, और यहाँ पे बारात घर का नया निर्माण हो रहा है, और प्राइमरी स्कूल है जो बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि एक प्राथमिक जो है हमें विद्यालय अच्छा मिल जाए, तो उनके वो भी उसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो काफ़ी काम हुआ है यहाँ पे। इन्होंने काफ़ी जो है क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह भी खोले हैं, जिससे आम लोग अपने ईजिली उसको जा सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं, और यूथ के लिए जैसे नए जिम को खुलवाना, और लोगों के लिए घर में पानी व्यवस्था और साफ़ सफाई के लिए भी काफ़ी ध्यान रखा गया, और काफ़ी एडवर्टाइजिंग की है कि लोग जो है डेंगू से बच सकें। हमारे यहाँ पे जो MLA ने तो काफ़ी अच्छा विकास किया है, सब अपने अपने क्षेत्र के लोगों के उनको वोट देना चाहिए, हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के MLA ने काफ़ी विकास किया है तो उनको वोट देना चाहिए। तो आप उनको 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? 10 में से मैं उन्हें 9 अंक देना चाहूँगा। एक कम क्यों? अभी थोड़ा सा काम डिले हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी मैरम नगर में आप जैसे आए होंगे तो यहाँ पे अभी भी वो रोड पूरी बनी नहीं है, तो जैसे अभी चुनाव आ गया है तो चुनाव के पास तो आचार संहिता लग जाती है, जिस वजह से काम नहीं हो पाएगा, बट वो काम अगर पहले हो जाता तो पूरे 10 में से 10 मिल जाते, बट वही है कि काम में डिले हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, थोड़े बहुत डिले हैं, इसलिए 9 पॉइंट्स। उन्होंने बहुत विकास किया है, हर चीज़ में किया है, पार्क ले लो आप, मोहल्ला क्लिनिक ले लो, रोड ले लो, पानी ले लो, और कैमरे वगैरह जो भी है सुविधा काफ़ी दी है, जो कि पानी की समस्या सबसे बड़ी थी वो उन्होंने दी है हमें। कैमरों से कुछ आपको फ़ायदा हुआ या नहीं अभी तक? हाँ जी बहुत फ़ायदा है इनसे, पहले छोटी मोटी चोरियाँ होती रहती थी, अब उस चीज़ पर रुकावट है। मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर बना हुआ है, स्वास्थ्य में तो पूरा ही काम है, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। हाँ पानी फ्री है, और 200 यूनिट उन्होंने बिजली फ्री दी है हमें, जो कि हमारा अभी 3 महीने से 0 ही बिल आ रहा है। अब आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में उनकी सरकार फिर से बन सकती है या नहीं? 100% बनेगी सर, उसमें कोई दो राय नहीं है, उन्हीं की सरकार आएगी। अब क्या क्या विकास किए हैं? विकास देखो, गलियाँ बन गई हैं, पार्क बन गया है, पानी की सुविधा हो गई है, लाइट लग गई है,
बहुत सारे काम कराए उन्होंने। पेंशन मिलती है आपको? हाँ जी पेंशन मिलती है। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे कि आप स्वास्थ्य के लिए उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं? कभी गए आप उधर? हाँ जी गए हैं, उसका भी बहुत बड़ा सुख है, योगदान है उनका। भाई सभी को सुविधा मिल रही है इसकी, भाई जो खोल रखा है उन्होंने, और भाई पढ़ाई में भी बच्चों को बहुत फायदा है, सारी चीज़ों का सुख है। यही कोई और सरकार होती वो इतना विकास कर पाती जितने आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया 5 सालों में? नहीं जी देखो इन्होंने ही ज़्यादा किया, इससे पहले थी भाजपा की थी, उन्होंने इतना नहीं किया जितना इन्होंने किया है। मेहरम नगर वेस्ट के लोगों से हमने ये जाना कि इनके MLA सुरेंद्र सिंह ने कितना विकास किया इन 5 सालों में। अब देखना ये बाकी है कि किसकी बन सकती है सरकार। कैमरा पर्सन गुरप्रीत सिंह के साथ सिमरन दुआ, दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस।